हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अरोड़ा बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शंस। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो हमारी आज की प्रॉपर्टी होने वाली है वो हमारी 3 BHK रहेगी, लिफ्ट विद कार पार्किंग, 100 गज की फ्रंट साइड प्रॉपर्टी, नियरेस्ट मेट्रो रहने वाला है इसका उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से मेन रोड हार्डली रहने वाली है 50 meters का डिस्टेंस। इसकी फुल वीडियो देखने से पहले हम 1 मिनट का टीजर देख कर आते हैं। जा रहे हैं हमारी फ्लैट की ओर। इसमें हम सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी हमारा नियरेस्ट मेट्रो जो रहने वाला है उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन। तो एक बार हम अपना मेट्रो स्टेशन देखते हैं। अब हम यहीं से होते हुए चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी की ओर। आइए, अब अपने मेन डोर से हम एंटर हो गए हैं, हमारी प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ से हार्डली 50 मीटर्स का डिस्टेंस होने वाला है हमारी प्रॉपर्टी का। अब एक बार हम लुक देखेंगे हमारी प्रॉपर्टी का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फ्लैट का डिटेल वीडियो। हमारी मेन एंट्रेंस होने वाली है, उसी के साथ साथ फ्रंट में हमारी मॉड्यूलर किचन रहेगी, आर फर्स्ट बेडरूम, हमारा लिविंग एरिया, उसी के साथ साथ हमारा कॉमन वॉशरूम रहने वाला है, और जो दो हमारे लास्ट बेडरूम रहेंगे वो मेरे फ्रंट पे रहने वाले हैं। एक हमारा रहने वाला है बालकनी से अटैच और एक रहेगा हमारा वॉशरूम से अटैच। बेसिकली इस फ्लोर में हमारे 2 वॉशरूम्स होने वाले हैं, 3 बेडरूम रहेंगे, ओपन में मॉड्यूलर किचन होने वाली है, और इतना आलिशान स्पेशियस हमारा लिविंग एरिया होने वाला है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पेस रहने वाला है हमारे लिविंग एरिया में। अभी जो हम शूट कर रहे हैं वो हमने सेमी फर्निश का कर रहे हैं, इसमें अभी फर्नीचर लगने वाला है। दोनों ऑप्शन रहेंगे आपके पास, फुली फर्निश का भी और सेमी फर्निश का भी। प्रॉपर यहाँ पे हमारा एल कॉर्नर का सोफा सेट आ जाएगा, बीच में सेंटर टेबल आ जाएगा, आप पफिस रख सकते हैं, कोई अपनी एक्स्ट्रा चेयर रखना चाहे वो भी रख सकते हैं। और मेरे फ्रंट पे ही हमने इसमें स्पेस दे रखा है प्रॉपर कि अपना 4 सीटर हम अपना डाइनिंग सेट भी इसमें इजिली रख सकते हैं। उसी के साथ साथ ह्यूज में हमारा फ्रंट में LED पैनल रहने वाला है, जितना भी बड़ा LED हो इजिली इसमें हमारा हैंग हो जाएगा। उसी के साथ साथ प्रॉपर आप इसको अपने मतलब कोई बुक रैक बना सकते हो, या अपने शोपीसेस रख सकते हो, कोई प्लांट्स लगा सकते हो, उस चीज के लिए भी अलग से कॉलम दिया गया है। एक बार हम नजर मारते हैं हमारी वॉल्स पे। वॉल को भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट में तैयार किया गया है, मल्टीपल चीजों में इनका यूज है, वुडन का भी यूज है, टाइल्स का यूज किया गया है, लुअर फिटिंग है, टेक्चर प्रिंट से प्रॉपर तरीके से डिजाइन की गई है हमारी वॉल। अगर हम बात करें AC की डक्टिंग की तो स्प्लिट AC का प्रोविजन रहने वाला है। फ्लैट मुझसे लो या किसी से भी लो, AC की डक्टिंग जरूर चेक करना, क्योंकि नए फ्लैट्स में बाद में तोड़ा फाड़ी होती है तो लेने वाले को भी मजा नहीं आता। ये तो था हमारा लिविंग एरिया। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी हमारा किचन, जो कि हमारी ओपन में मॉड्यूलर किचन होने वाली है, ड्यूअल शेड में रहेगी, व्हाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन इसमें रहने वाला है। बेसिकली जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, फ्रिज का प्रोविजन प्रॉपरली हमारा सेपरेट फ्रिज का प्रोविजन रहने वाला है, जो कि हमारा इस साइड रहेगा प्रॉपर स्विच बोर्ड के साथ। उसके बाद सेकंड होता है हमारा वेंटिलेशन। वेंटिलेशन पर्पस से भी प्रॉपर इस साइड हमारी एग्जॉस्ट की फिटिंग दी गई है। उसी के साथ साथ इस साइड हमारी चिमनी रहेगी, जो कि आपको फिटेड करवा कर दी जाएगी। बात करें स्पेस की तो बहुत ही स्पेशियस होने वाली है, जितने भी इसमें सारे ड्रॉर्स हैं सारे हमारे हाइड्रोलिक रहने वाले हैं।
स्मूथ रहेंगे, आरओ की फिटिंग, मतलब जितनी भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड रहती हैं हमारी किचन में, एक एक चीज़ इसमें प्रॉपर हमारी रहने वाली है। प्रॉपर मतलब बॉक्सेस के लिए अलग से कॉलम दिया गया है, क्रॉकरी के लिए अलग से कॉलम्स हैं, मतलब जितना भी सामान हमने अपना किचन में रखना है वो इजीली हमारा इस किचन में आ जाएगा, इतनी स्पेशियस हमारी ये किचन रहने वाली है। उसी के साथ साथ हमने आरओ फिटिंग करनी है, उसके लिए भी अलग से आपको कॉलम दिया गया है। एयर फ्रायर लगाना है, हमने माइक्रोवेव लगाना है, उनके लिए भी प्रॉपर स्विच बोर्ड्स लगा के दिए गए हैं इस साइड भी और हमारे इस साइड भी। और ये तो थी हमारी ओपन में मॉडर्न किचन। एक बार हम नज़र मारते हैं हमारे किचन के कॉन्सेप्ट में, कई किचन में हम शैंडलियर्स लगाते हैं लेकिन इसमें प्रॉपर हमने स्ट्रिप लाइट्स का यूज़ किया गया है, मतलब बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट किया है इस वाली अपनी किचन में। अब यहीं से होते हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है। बेसिकली बेडरूम में हमें रिक्वायर्ड रहता है प्रॉपर हमारा अच्छा स्पेस हो, कि हमारा किंग साइज का बेड आ जाए, वार्डरोब्स आ जाए, हमारा ड्रेसिंग एरिया आ जाए और हमारा LED पैनल हो जाए। और मेन चीज़ रहती है वेंटिलेशन, तो उस साइड के लिए भी इस साइड हमारा प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगी, इस साइड हमारी शाफ्ट रहने वाली है, AC की डक्टिंग हमारी इस साइड रहने वाली है, जो कि हमारा स्प्लिट AC का प्रोविजन है। प्रॉपर अप टू रूफ में इसमें आप देख सकते हैं क्विल्टिंग प्रॉपर करा के दी गई है। अभी यहाँ पे बेड फिटेड होने वाला है जो कि हमारा किंग साइज रहने वाला है। फ्रंट साइड पे प्रॉपर LED पैनल रहेगा, इस साइड में आपको शोपीसेस के लिए अलग से कॉलम दिया गया है। सेपरेटली हमारा ड्रेसिंग एरिया रहेगा, आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस होने वाला हमारा ये ड्रेसिंग टेबल, इजीली अपना कॉस्मेटिक मटेरियल हम इजीली इसमें रख सकते हैं। प्रॉपर इसमें नीचे हमारे ड्रॉअर्स भी रहेंगे। अप टू रूफ ड्यूल में हमारी वार्डरोब्स रहेंगी, जो कि हमारे स्लाइडर्स रहने वाले हैं, इसमें हमारा हैंगिंग सिस्टम भी रहेगा लॉक वाले, इसमें हमारे ड्रॉअर्स भी रहने वाले हैं, कुछ हमने अपना स्टोर करके रखना तो इजीली हम ऊपर स्टोर भी कर सकते हैं, मतलब बहुत ही स्पेशियस होने वाली हमारी ये वार्डरोब्स। तो ये तो था हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि किचन के बिल्कुल हमारे साथ रहने वाला है। अब लिविंग एरिया से होते हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की ओर। उससे पहले मैं आपको हमारा कॉमन वॉशरूम दिखा देती हूँ कि हमारा कॉमन वॉशरूम कितना स्पेशियस होने वाला है। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पेस है हमारे इस कॉमन वॉशरूम में, अप टू रूफ इसमें प्रॉपर हमारी टाइल्स रहेंगी, वेंटिलेशन पर्पज से इस साइड हमारी एग्जॉस्ट की प्रॉपर फिटिंग रहने वाली है, जितनी भी सैनिटरी है सारी फिटेड करा कर दी जाएगी, ब्रांडेड फिटिंग होने वाली है 2 ईयर्स वारंटी के साथ, वैनिटी हो गई, सीट रहेगी हमारी, मतलब जितना भी रिक्वायर्ड रहता है हमें हमारे वॉशरूम में वो एक एक चीज़ आपको इसमें लगा के दी जाएगी। अब सेकेंड बेडरूम जो हमारा होने वाला है वो हमारा ये रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बेडरूम से हमारा वॉशरूम कनेक्टेड है और एक से हमारी बालकनी कनेक्ट होने वाली है, लेकिन इन दोनों बेडरूम से हमारा बालकनी कनेक्टेड रहेगी, मैं भी आपको दिखाऊंगी वो भी। इसमें भी प्रॉपर अप टू रूफ हमारी क्विल्टिंग रहने वाली है, इस साइड हमारा प्रॉपर किंग साइज का बेड आ जाएगा, दोनों साइड में हमारे वार्डरोब्स रहने वाली हैं जो कि बहुत ही स्पेशियस रहेंगी। इसमें भी नीचे हमारे साइड टेबल्स दिए गए हैं, ड्रॉअर्स दिए गए हैं, अपने गैजेट्स रखने हो, कुछ भी मोबाइल चार्जर वगैरह इजीली हम इसमें रख सकते हैं, कुछ शोपीसेस रखने हो। फ्रंट पे हमारा LED पैनल रहेगा प्रॉपर यूज में, जितना भी बड़ा LED हो इजीली इस पर हमारा हैंग हो जाएगा। अब इस वाले बेडरूम में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, इसमें हमारा स्प्लिट AC का भी प्रोविजन है और विंडो AC का भी प्रोविजन है। इस साइड प्रॉपर हमारी विंडोज रहने वाली हैं कि वेंटिलेशन से हमें इस फ्लैट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारी ये फ्रंट साइड की प्रॉपर्टी होने वाली है। और बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं इसमें मेट्रो की कनेक्टिविटी है, जो कि नियर बाय उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन रहने वाला है। प्रॉपर अभी आप देखेंगे यहाँ से मेट्रो जाएगी। अब यहीं से मैं आपको हमारा वॉशरूम दिखा देती हूँ। वॉशरूम का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, इसमें जितनी भी सैनिटरी है सारी फिटेड करा के दी जाएगी। अभी जो बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सैम्पल फ्लैट इसका रेडी हो चुका है, अभी थोड़ा बहुत काम इसमें रह गया है, मतलब हार्डली वीक और 10 डेज लगेंगे इसके अंदर। वेंटिलेशन पर्पज से भी इस साइड एग्जॉस्ट की फिटिंग रहेगी, जितनी भी सैनिटरी है सारी आपको फिटेड करा के दी जाएगी 2 ईयर्स वारंटी के साथ। अब यहीं से होते हुए मैं आपको हमारी बालकनी दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी बालकनी दोनों बेडरूम से हमारी कनेक्टेड रहेगी। आइए प्रॉपर आप देख सकते हैं इसमें हमारी प्रॉपर मेट्रो जा रही है, नियर बाय उत्तम नगर वेस्ट और नवादा मेट्रो स्टेशन रहने वाला है। हार्डली 50 मीटर्स का डिस्टेंस है मेन रोड से। प्रॉपर हमारी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग रहेगी, ये हमारी बालकनी होने वाली है। फ्रंट साइड की हमारी ये प्रॉपर्टी है। अब यहीं से होते हुए चलते हैं हमारे लास्ट थर्ड बेडरूम की ओर, वो भी हमारा बालकनी से अटैच होने वाला है। तो ये होने वाला है हमारा थर्ड बेडरूम, इसमें भी प्रॉपर हमारी अप टू रूफ क्विल्टिंग रहने वाली है, साइड्स में हमारी प्रॉपर वार्डरोब्स रहेंगी जो कि बहुत ही स्पेशियस होने वाली है, इस साइड हमारा किंग साइज का बेड आ जाएगा,
एक बार हम सेफ स्पेस देखते हैं हमारी वार्डरोब्स की, प्रॉपर अप टू रूफ रहेंगी। इस साइड भी हमारे कॉलम्स रहने वाले हैं, कुछ स्टोर करके रखना हो इजीली हम इसमें रख सकते हैं। प्रॉपर हमारे साइड ड्रॉअर्स होने वाले हैं, साइड टेबल रहेगा, अपने गैजेट्स वगैरह कुछ भी रखना हो हम इसमें अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। वेंटिलेशन पर्पज से इस साइड हमारा विंडो एसी का प्रोविजन रहने वाला है, प्रॉपर आपको विंडो लगा के दी जा रही है इसके अंदर। मतलब वेंटिलेशन से एक एक रूम में मैंने आपको दिखाया है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी फ्रंट साइड की प्रॉपर्टी है ये हमारी लिफ्ट विद कार पार्किंग के साथ, तो 3 BHK का फ्लैट लिफ्ट विद कार पार्किंग के साथ। नीचे स्क्रीन पे दिए नंबर पे बहुत से कस्टमर्स की डिमांड थी कि हमें बिल्कुल नियर बाय मेन रोड चाहिए, तो हार्डली 50 मीटर्स का डिस्टेंस रहने वाला है इसका। जल्दी से जल्दी नीचे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी पेज है अरोड़ा बिल्डर्स 21 के नाम से, उसको भी फॉलो कीजिए। फेसबुक पे डेली बेसिस पे रील्स अपलोड होती है, इंस्टा पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, तो जल्द से जल्द फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना साइट विजिट बुक करवाइए। इस फ्लैट को जल्द से जल्द अपना बनाइए, बुकिंग ओपन हो चुकी है। थैंक यू।